ये मेमोरी की जो एक बीमारी होती है, डिजीज होती है, इसको एमनीजिया बोला जाता है। एमनीजिया एमनीजिया इज अ ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ मेमोरी लॉस। मेमोरी खो जाना, याद का खो जाना, मेमोरी का डैमेज होना, ये एमनीजिया कहलाता है। इसमें इंसान या तो फ्यूचर की मेमोरी नहीं बना पाता या फिर माजी की याद नहीं रख पाता। ये दो टाइप्स होती हैं। रेट्रोग्रेड एमनीजिया इन्वॉल्व लूजिंग द एबिलिटी टू रिकलेक्ट पास्ट मेमोरीज। आप अपने माजी को याद नहीं कर पाते। रेट्रोग्रेड एमनीजिया के अंदर आपको जो पास्ट की चीजें आपके पीछे माजी में गुजर चुकी हैं वो आपको याद नहीं रहती हैं, आप उसको याद भी नहीं कर पाते। उसके बाद है अगली इसकी टाइप, एंट्रोग्रेड एमनीजिया। ये वो एमनीजिया होता है इन्वॉल्व्स अ लॉस ऑफ एबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज। आप अपनी नई मेमोरीज नहीं बना पाते। आपके साथ हाल में, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आप या फ्यूचर के अंदर आप क्या करने चाहते हैं, वो आप नहीं बना पाते मेमोरीज। जो जिन लोगों को ये मेमोरी का प्रॉब्लम होता है, या तो उनको रेट्रोग्रेड एमनीजिया होता है या फिर उनको एंट्रोग्रेड एमनीजिया होता है। लेकिन ये क्लाइव बेरिंग वो शख्स है, वो इंसान है जिसको ये दोनों थे, या इसको यानी कि रेट्रोग्रेड एमनीजिया भी था और एंट्रोग्रेड एमनीजिया भी था। ये माजी की चीजें भी याद नहीं रख पाता था और फ्यूचर की मेमोरीज भी नहीं बना पाता था। ये था कौन, इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये एक म्यूजिशियन था, कंडक्टर और कीबोर्डिस्ट था, यानी कि म्यूजिक वगैरह पे ये बहुत काम करता था, बहुत फेमस म्यूजिशियन था। इन 1985 वेरिंग अटैक्ड बाय हर्पस सिंप्लेक्स वायरस विच अटैक्ट। ये एक वायरस था जिसने इस पर अटैक किया था 1985 के अंदर, और अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ वेरिंग। इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसने अटैक किया था, इसको इफेक्ट किया था, जिसकी वजह से इसकी मेमोरी को डैमेज हुई थी, जिसकी वजह से इसको दोनों एमनीजिया हो गए थे, रेट्रोग्रेड और एंट्रोग्रेड एमनीजिया। ही कैन रिमेंबर थिंग्स ओनली फॉर 7 to 30 seconds। ये सिर्फ अपनी जो चीजें थी 7 से 30 सेकेंड तक ही याद रख पाता था। मोस्टली चीजें ये भूल जाता था। इसको माजी की कुछ कुछ चीजें याद थी, बहुत सारी चीजें इसको भूल चुकी थी अपनी माजी की। ड्यू टू हिज डिजीज ही ऑफन फील्स एज इफ ही हैज जस्ट वॉकन अप फ्रॉम स्लीप और ही इज इन कोमा। इसकी इस बीमारी की वजह से इसको अक्सर लगता था कि ये सो के उठा है या फिर ये कोमा में था। इसको इस तरह से लगता था, यानी कि इसको जब कुछ याद ही नहीं था तो इसको ऐसे ही लगता था कि ये सो के उठा है, यानी कि ये सोया नहीं था, सोया नहीं होता, लेकिन इसको लगता था कि जैसे मैं अभी भी सो के उठा हूँ। जब हम सो के उठते हैं तो हम थोड़ा सा ना फील करते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही, कि कुछ याद नहीं आ रहा, और यह इसको लगता था कि ये कोमा में था।